यहाँ की नक्काशी देख लीजिए, देखिए कितना बारीक काम है। ये राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर के ऊपर आधारित है और देखिए यहाँ पे कैसे भगवान भोलेनाथ की इतनी सुंदर प्रतिमा है। यहाँ के मूर्तिकार भी आपके जगन्नाथ पाल जी हैं, वो भी कलकत्ता के ही हैं। यहाँ जो पंडाल बनता है वही भुइयां डेकोरेटर, वो भी कलकत्ता के ही हैं। यहाँ लाइटिंग जो होती है वो भी चंदन नगर से होती है, इसलिए सारा कलाकार हमारे कलकत्ता से ही आते हैं और आज से नहीं आ रहे, आज 40 बरस से आ रहे हैं। कलश स्थापना जो है वो हो चुकी है, लोग पूजा कर रहे हैं, पंडित जी लोग अपना भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर 10 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं, पटना ही नहीं सुदूर बिहार के जिलों से आते हैं, बाहर से भी आते हैं लोग। और व्यवस्था बिहार सरकार की, जिला प्रशासन की, हम लोगों के साथ एकदम कोऑर्डिनेशन रहता है। जिला बल, सीनियर एसपी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, पटना कोतवाली जो हमारे थाना प्रभारी हैं, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर है, सब लोग यहाँ मुस्तैद रहते हैं हमेशा। मुख्यमंत्री जी आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे महामहिम राज्यपाल जी भी आते हैं, सभी गणमान्य लोग आते हैं और गरीब गुरबा भी आते हैं। माता का जो है पट अभी खुला नहीं है, लेकिन आप ऊपर से देख सकते कितने अद्भुत रंगों का प्रयोग हुआ है, गुलाबी, सफेद, हर किस्म के रंग, जो आपको एक तरीके से ये बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरस्वती माँ की जो झलक है वो आपको इस दुर्गा माँ की प्रतिमा में दिखेगी। इसमें हमारी एक सेलेक्ट कमेटी है जिसमें 5-7 मेंबर हैं। सबसे पहले वो लोग पूरे देश का भ्रमण भी करते रहते हैं। अच्छा, साल भर होता है ये? साल भर वो लोग, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई सदस्य कहीं गया, वहां से कलेक्शन लेकर आया, उसके बाद सब लोग बैठते हैं, फिर आर्ट कॉलेज के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, कलकत्ता और पटना के आर्ट कॉलेज के कलाकारों को। उसके बाद उसमें डिसाइड होता है कि ये थीम अच्छा रहेगा, इस बार ये किया जाए, जो यहाँ के गरीब गुरबा, साधारण व्यक्ति वहाँ जाके दर्शन नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पटना में आके कर सके। सबसे पहले आदमी को क्या चाहिए? शांति चाहिए, नाम जस चाहिए, निरोग रहना चाहिए व्यक्ति को, ये चीज़ें सबसे पहले मिलती है। सबसे पहले एक ऐसी भावना हम लोग के अंदर आती है कि दुर्गा पूजा के माध्यम से पूरे समाज को जोड़ के रखने का प्रयास हम लोग करते हैं, जो बिहार, सिर्फ पटना नहीं पूरे बिहार के दर्शक यहाँ आते हैं। और यह पूजा 1964 से संचालित है। दुर्गा पूजा चल रहा है और सप्तमी, अष्टमी और नौमी को जिस जगह पे हम खड़े हैं उस जगह पे इतनी भीड़ होती है कि किसी को कहीं जाने में कम से कम 5 से 6 घंटे का वक्त तो लग ही जाता है। जी हाँ, हम खड़े हैं डाक बंगला चौराहा पे, जहाँ पे ऐसा भव्य आयोजन किया गया है, ऐसी भव्य पंडाल को बनाया गया है जिसे देखने हर साल लोग बड़ी दूर से आते हैं। और पटना में सबसे प्रसिद्ध पंडालों में से एक होता है यहाँ का पंडाल, यानी कि डाक बंगला चौराहा का पंडाल। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तर्ज पे बना है। हर साल यहाँ का जो थीम है, यहाँ की जो कलाकारी है, यहाँ की जो मूर्ति है, वो इतनी प्रसिद्ध होती है कि लोगों को इसे देखने के लिए कितने भी देर तक इंतजार करना पड़े तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे अंदर का थोड़ा सा नज़ारा। वैसे तो पट खुलता है सप्तमी को, लेकिन उसके पहले यहाँ की नक्काशी देख लीजिए, देखिए कितना बारीक काम है। ये राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर के ऊपर आधारित है और देखिए यहाँ पे कैसे भगवान भोलेनाथ की इतनी सुंदर प्रतिमा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कलश स्थापना जो है वो हो चुकी है, लोग पूजा कर रहे हैं, पंडित जी लोग अपना भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है, जो यहाँ के लोगों का फील है, आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा भक्तिमय है कि यहाँ पे घुसते ही एक अलग सी ऊर्जा है। पीछे आप देख सकते हैं कि माता का जो है पट अभी खुला नहीं है, लेकिन आप ऊपर से देख सकते हैं कितने अद्भुत रंगों का प्रयोग हुआ है, गुलाबी, सफ़ेद, हर किस्म के रंग, जो आपको एक तरीके से ये बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरस्वती माँ की जो झलक है वो आपको इस दुर्गा माँ की प्रतिमा में दिखेगी। अब आते हैं बाहर और बाहर आपसे बातचीत करवाएंगे, हम बातचीत करेंगे उन लोगों से जो सालों से यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं, तो हम उनसे वो सारी चीज़ें जानना चाहेंगे जो आप दर्शक उनसे शायद से पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे पुरुषोत्तम जी से। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता जनसंघ। आप लोगों का भी स्वागत है नवयुवक संघ श्री दुर्गा पूजा समिति ट्रस्ट डाक बंगला रोड पटना में। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कितनी फीट ऊंचाई है इस बार के पंडाल की? लगभग 80 फीट ऊंचाई है और 50 फीट इसकी चौड़ाई है। इतनी
इतने साल से आप लोग यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं, हर साल नीतीश कुमार भी यहाँ पे आते हैं, ये जानना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि माता जी से आप जो मांगे वो जरूर मिलेगा, तो आप लोग जो आयोजन करता है, आप लोग को जो मांगते हैं माता से वो मिलता है? जरूर मिलता है। सबसे पहले आदमी को क्या चाहिए? शांति चाहिए, नाम जस चाहिए, निरोग रहना चाहिए व्यक्ति को, ये चीजें सबसे पहले मिलती है। सबसे पहले एक ऐसी भावना हम लोग के अंदर आती है कि दुर्गा पूजा के माध्यम से पूरे समाज को जोड़ के रखने का प्रयास हम लोग करते हैं, जो बिहार, सिर्फ पटना नहीं पूरे बिहार के दर्शक यहाँ आते हैं। और यह पूजा 1964 से संचालित है, आज से नहीं, 1964 से, आज 60वां वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और हर तरह की यहाँ व्यवस्था रहती है, जो भी आप प्रश्न पूछिए हम बताने के लिए आपको तैयार है। ये बताइए कि हर साल कहा जाता है कि पटना में अगर पंडाल का दर्शन करना है तो सबसे खास जो है डाक बंगला चौराहा पे दिखेगा आपको, तो ये हम जानना चाहते हैं कि ये जो थीम होता है, ये जो डिसीजन होता है कि अब इस साल, जैसे इस साल सरस्वती मंदिर के ऊपर आधारित है राजस्थान के, तो हर साल ये थीम कौन डिसाइड करता है, कैसे आप लोग इसके ऊपर निष्कर्ष लाते हैं? इसमें हमारी एक सेलेक्ट कमेटी है जिसमें 5-7 मेंबर हैं। सबसे पहले वो लोग पूरे देश का भ्रमण भी करते रहते हैं। अच्छा, साल भर होता है ये? साल भर वो लोग कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई सदस्य कहीं गया, वहाँ से कलेक्शन लेकर आया, उसके बाद सब लोग बैठते हैं, फिर आर्ट कॉलेज के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, कलकत्ता और पटना के आर्ट कॉलेज के कलाकारों को, उसके बाद उसमें डिसाइड होता है कि ये थीम अच्छा रहेगा, इस बार ये किया जाए, जो यहाँ के गरीब गुरबा साधारण व्यक्ति वहाँ जाके दर्शन नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पटना में आके कर सके। ये बताइए कि इस बार जो कारीगर है, मैंने सुना है कि वो लोग बंगाली कारीगर यहाँ पे खास तौर पे इसको बनाने के लिए आए हैं, तो उन लोगों तो को एकजुट लेकर कैसे आए आप लोग? एक्चुअली कलकत्ता के तर्ज पर ही ये नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति डाक बंगला रोड पटना में पूजा होता है। यहाँ के मूर्तिकार भी आपके जगन्नाथ पाल जी हैं, वो भी कलकत्ता के ही हैं। यहाँ जो पंडाल बनता है वही भुइयां डेकोरेटर, वो भी कलकत्ता के ही हैं। यहाँ लाइटिंग जो होती है वो भी चंदन नगर से होती है, इसलिए सारा कलाकार हमारे कलकत्ता से ही आते हैं, और आज से नहीं आ रहे, आज 40 बरस से आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात कि खर्च कितना हुआ इस पूरे आयोजन को करने में? पैसा के मामले में बहुत ज्यादा चीज हम इसलिए आपको नहीं बता सकते कि यहाँ बहुत सारी चीजें लोग डोनेशन से भी दे देते हैं, लेकिन 25-30 लाख रुपया तो आम बात है खर्च होना इतना बड़ा भव्य आयोजन में होता है, और श्रद्धा से लोग यहाँ दान करते हैं, मदद करते हैं। यहाँ बड़े बड़े जितने भी श्रद्धालु हैं सब यहाँ आके कर सेवा भी करते हैं, उनकी माता बहनें भी यहाँ पर अपना श्रमदान करती हैं, कोई घी देता है, कोई चावल देता है, कोई आटा देता है, कोई बेसन देता है, कोई कुछ ही दिया, कोई पट्टा ही ला के दे दिया कि मेरे तरफ से ही माता जी, क्या कोई बोलता है हम वस्त्र देंगे, इसलिए यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर तरह के श्रद्धालु हैं, हर तरह के भक्त हैं, बड़े आनंद से यहाँ पूजा होती है। इतने साल से चल रहा है, सालों साल ऐसे ही चलते रहेगा और बढ़ता रहेगा, चलता नहीं रहेगा, चलना तो है ही, क्योंकि हम वही शरीर तो नश्वर है, आज नहीं कल चला जाना है, मेरे जगह कोई और होगा, ये दीपक जी हैं, सागर जी हैं, अमित जी हैं, टुन्नू जी हैं, आपके सोनू जी हैं, नवल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, संजीव प्रसाद टोनी जी हमारे पूर्व मंत्री, एक लोकप्रिय यहाँ के अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, सब लोगों को लेके चलते हैं, राजन यादव जी यहाँ के उपाध्यक्ष हैं। ये संस्था बड़ा ही लोगों को मिला जुला के कलेक्टिव समाज की यह संस्था है और हृदय में है, यह बिहार का हृदय है डाक बंगला, वहाँ हम लोग बैठ कर माता जी हम लोग के को इतनी प्रेरणा देती हैं कि हम लोग पूजा पाठ अच्छे ढंग से करते हैं। आपको देखिए, ये बाइट देने के लिए हमको माइक कम कराना पड़ा, 5 विद्वान हमारे बाहर से आए हुए हैं, इसलिए पूजा की प्राथमिकता है, और यहाँ के लोग जानते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ अद्भुत होगा, वो माँ कराती है, हम लोग नहीं कराते, हम लोग माध्यम। एक आखिरी सवाल पहले तो दिखा दीजिए इन सभी लोगों के ऊपर, ये सारे लोग मिलकर सालों साल से यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली कर रहे हैं, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं हर साल सप्तमी अष्टमी नवमी को जो भीड़ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, सरकार से भी बहुत लोग, नीतीश कुमार स्वयं हर बार दर्शन करने आते हैं और ये सभी लोग देखते हैं, तो सरकार से क्या कुछ सहयोग मिलता है और अगर नहीं मिले तो आपको कुछ उम्मीद है? देखिए, यहाँ पर 10 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं, पटना ही नहीं सुदूर बिहार के जिलों से आते हैं, बाहर से भी आते हैं लोग, और व्यवस्था बिहार सरकार की, जिला प्रशासन की, हम लोगों के साथ एकदम कोऑर्डिनेशन रहता है,
जिला बल, सीनियर एसपी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, पटना कोतवाली जो हमारे थाना प्रभारी हैं, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर है, सब लोग यहाँ मुस्तैद रहते हैं हमेशा। मुख्यमंत्री जी आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे महामहिम राज्यपाल जी भी आते हैं, सभी गणमान्य लोग आते हैं और गरीब गुरबा भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था रहती है। क्लोज सर्किट टीवी हम लोग आज से नहीं बरसों से लगाते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था रहती है। वॉच टावर हम लोग बनाते हैं जिससे दूर से ही विजिलेंट रहते हैं। 300-400 हमारे वॉलेंटियर, कुछ सिविल ड्रेस में और कुछ ड्रेस में भी, चारों तरफ मुस्तैदी से लगे रहते हैं, इसलिए सुरक्षा की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहती है। यहाँ फ्लड शांति, यहाँ बाढ़ माने पानी नहीं, आदमी आते हैं पानी के रूप में, यहाँ आवाज़ निकलती है, यहाँ पर इतना भीड़ होती है, इसलिए हर तरह का कोऑर्डिनेशन है। संस्था के सदस्य, संस्था के हमारे बहन माताएं जो हैं सदस्य, वो भी यहाँ खड़ी रहती है। सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन अनवरत हमारे यहाँ रात भर प्रसाद भोग का वितरण होता है। सुबह तक 4 बजे तक लोग आते हैं परिवार को लेकर, 4 बजे तक हमारे यहाँ है। 5 बजे भी आइएगा तो भोग आपको मिलेगा। सप्तमी को आपको हलवा का भोग मिलेगा, अष्टमी को खीर पूड़ी का भोग मिलेगा, नवमी को खिचड़ी का भोग मिलेगा, घटता नहीं है। प्रभु माता करवा, और उसके बाद पूजा के बाद जितने भी हमारे सम्मानित डोनर हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, उनके घर भी प्रसाद हम लोग पहुंचाते हैं। माने एक पारिवारिक माहौल में यह पूजा संपन्न होती है और प्रभु की असीम कृपा है, माता जी की असीम कृपा है, और हमारे अध्यक्ष और हमारी टीम के जितने भी लोग हैं, जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, उनका अपार श्रम दान है और उनका व्यक्तित्व है, उनका व्यवहार है कि यह संस्था दिनों दिन आगे बढ़ रही है। चलिए खत्म कर रहे, उससे पहले सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि एक बार बोल दें जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा, जय माता दी। चलिए खत्म करते हैं इसको। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे सभी लोग इतने खुश हैं ये सारा कुछ करने के लिए। हर साल इन्होंने कहा कि माता ने स्वयं आशीर्वाद दिया, इसीलिए सब कुछ होता है। साल भर घूम के थीम डिसाइड होता है और लाखों लाख रुपए का जो खर्च होता है वो लोगों के द्वारा, डोनेशन के द्वारा और कई चीज़ों के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। लोग स्वेच्छा से आकर यहाँ पे काम करते हैं। और इसी तरीके से आपको बता दें कि पटना का जो नंबर वन एक तरीके से कह सकते हैं बंगला चौराहा का ये पंडाल है, आपके लिए तैयार है। सप्तमी को आइए, अष्टमी को आइए, नवमी को आइए और अपने परिवार के साथ यहाँ पे दर्शन करिए। जय माँ दुर्गा। मैं शांभवी शर्मा, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।